हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अपने फ़ोटो को लाइटरूम में एडिट कर सकते हैं। तो कुछ फ़ोटो मैंने पहले ही ले रखे थे और उसे लाइटरूम में आप किस तरह से एडिट करके और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लाइटरूम वन ऑफ द बेस्ट एडिटिंग ऐप है, जहाँ आप तो सबसे पहले आपको लाइटरूम डाउनलोड करना होगा, जो आप प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कोई सा भी आप फ़ोटो खींच के आप उसके होम पेज में लेके आ जाइए। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो ले रखा था कुतुब मीनार का। ओके फ्रेंड, तो ये होम पेज में है कुछ फ़ोटो। सबसे पहले स्टेप है कि जो इसका ऑटो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कीजिए, और जिस तरह से आप ऑटो ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा लाइट एंगल्स, जो भी कंट्रास्ट है। देखिए तो थोड़ा बहुत फ़र्क आया है बिफ़ोर और आफ्टर में, थोड़ा सा लाइट का फ़र्क आया है। उसे और भी ज़्यादा कंट्रास्ट या और भी ज़्यादा लाइट डालने के लिए अपने फ़ोटो में आप इसके दूसरे ऑप्शन में भी जा सकते हैं, जैसे लाइट कलर्स इफेक्ट। ओके, तो यहाँ कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा खिल के दिखे, मतलब इसका जो लाइट है वो। ओके, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा खिल के दिख रहा है, मतलब आप इसमें डिटेलिंग ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। तो बिफ़ोर और आफ्टर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। बिफ़ोर में देखिए थोड़ा सा डार्क जैसा दिख रहा है, और आफ्टर में देखिए कि थोड़ा सा इफेक्ट आया है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसके शैडो को और कम कर देता हूँ। तो शैडो को कम करने से जो भी इसके फोटो में जो भी शैडो है, जो भी अंधेरापन है, वो अपने आप हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना फ़र्क आ चुका है। बिफ़ोर में ये डार्क था, ज़्यादा दिख नहीं रहा था, और आफ्टर में ये थोड़ा सा क्लियर हो गया है, अच्छा लग रहा है। फ़ोटो का डिटेलिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो उसका आप कलर टोन में चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, चाहे घटा भी सकते हैं। तो टेम्परेचर में इसे नॉर्मल रखना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ इसमें इफेक्ट नहीं डालना चाहूँगा। और इफेक्ट में से क्लैरिटी को मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ ताकि DSLR जैसा लुक आए। अगर इसको आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा फटने जैसा जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये क्रैक्स ज़्यादा दिखेंगे, इसलिए ज़्यादा क्लैरिटी को ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा रखेंगे ताकि थोड़ा क्लियर लगे, ऐसा लगे DSLR का लुक है। टेक्सचर को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। विंटेज ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसे रहने दूंगा, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालूंगा। तो अभी तक देख सकते हैं कि फ़ोटो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा लाइट आ चुका है, देखने में अच्छा लग रहा है, फ़ोटो डिटेल्स अच्छे लग रहे हैं। तो फर्क देख सकते हैं बिफ़ोर में ये किस तरह से दिख रहा था और आफ्टर में इसका इफेक्ट कितना अच्छा दिख रहा है। सो फ्रेंड, इस तरह से आप लाइटरूम से आप एडिट कर सकते हैं। ये ऐप बहुत ही अच्छा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ ऑलरेडी इसमें दिया गया है। अब जो चाहें, अब जिस टाइप का चाहें वो कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल में कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक में भी जाके इसको सीख सकते हैं, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। एज ए बिगनर के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है।
ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आप लाइटरूम में आप एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और भी कुछ आपको डाउट पूछना है या कुछ नए वीडियो चाहते हैं किस पर होना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप एडिटिंग फोटोज़।